संख्या 18 और 19 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने राजस्थान में हर थाने में एक स्वागत कक्ष बनाया गया। हमारे विपक्ष के साथी जो सदस्य कह रहे थे अभी पूर्व में कि वहाँ स्वागत कक्ष बनाया है, उसकी कोई देखरेख नहीं होती है, कोई झाड़ू नहीं निकालता है, कोई पानी नहीं रखता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है उस स्वागत कक्ष से जो एक आम गरीब व्यक्ति एक गांव से जो आता है, जो पहले धूप में बैठता था, अब उस स्वागत कक्ष में जाकर अपनी परिवेदना दे सकता है और वहाँ सम्मानपूर्वक स्वागत कक्ष में बिठाया जा सकता है और उनकी FIR भी काटी जा रही है। इसलिए विपक्ष का तो काम है, भले सरकार कितना भी अच्छा काम करे, उनकी बुराई करने का ही काम है। मैं CM साहब ने जो पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, मुकदमे में जो वृद्धि हुई है, अब जो पहले थानों में नहीं होती थी वो सीधी SP कार्यालय से भी, वहाँ से भी इनकी FIR काटी जाती है, लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। मैं इसी के साथ मैंने गढ़ा मोरैया और काकरादरा जो मैंने चौकियों की मांग की थी, 5 चौकियों की मांग की थी, उसमें से गढ़ा मोरैया और काकरादरा 2 चौकी CM साहब ने खोल दिए। उसके लिए मैं सरकार और CM साहब का, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही गढ़ शेरावाड़ा बलवाड़ा सतीरामपुर यहां और चौकी खोलने की मैं मांग करता हूं। सभापति महोदय जी, एक आम व्यक्ति एक पुलिस में एक विश्वास देखता है, एक न्याय देखता है, एक उम्मीद होती है गरीब की कि मुझे, मैं पुलिस के पास जाऊँगा, मुझे न्याय मिलेगा, मुझे सुरक्षा मिलेगी, यूं करके वो थाने में जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो अमीर होता है, पैसा वाला होता है, उसकी सुनी जाती है, उसकी देखी जाती है और गरीब की नहीं सुनी जाती है। मैं ST/SC की बात करना चाहूँगा, आज भी इतने साल हो गए देश आज़ाद हुए, फिर भी ST/SC के साथ आज भी अत्याचार हो रहा है। भले जैसलमेर देख लो, भले बाड़मेर देख लो, भले जालौर देख लो, भले इधर झालावाड़ देख लो, भले राजसमंद देख लो, हमारे साथ आज भी अन्याय हो रहा है, आज भी हमारे लोग पीड़ित, आज भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं सभापति महोदय जी आपसे कहना चाहूँगा कि हम कौन से भारत में रह रहे हैं, खाली यहाँ सब बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते हैं, हम सब एक की बातें करते हैं, लेकिन आज भी थानों में हमारे ST/SC के जो सिपाही हैं, जो हेड कांस्टेबल है, जो थानेदार हैं, उनके खिलाफ हीन भावना से देखा जाता है, उनको काम करने नहीं दिया जाता है। अगर ST/SC का अफसर या कर्मचारी या अधिकारी कोई अच्छा काम करता है उसको बदनाम किया जाता है, अगर अच्छा काम किया तो मेडल बड़े अफसर को मिलता है, अगर बुरा हुआ काम हुआ, अगर कुछ आपदा पड़ी तो वो छोटे कर्मचारी और छोटे पे ढोला जाता है, ये सिस्टम चल रहा है। आज इस महकमे में ऐसे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, सभी विभागों की बात कर रहा हूं मैं, प्राचीन काल में जिस तरह से एकलव्य को आगे बढ़ने नहीं दिया, उसी तरह से आज भी उस एकलव्य को, ST/SC को, एकलव्य को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आज भी उनमें प्रतिभा है, आज भी उनमें जुनून है, लेकिन उनको बड़े अफसरों के साथ सामने बदनाम किया जाता है, ये चोर है, यूं करा जाता है। क्यों भाई, ST/SC के अधिकारी कर्मचारी चोर है, दूसरे सब क्या दूध के धुले हुए क्या? तो इस तरह से आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा अन्याय सरकार इस पर ध्यान देवे, अमल करे और ऐसी जातिगत भेदभावना जो थाने में हो रही है उसको रोका जाए। सभापति महोदय जी, मैं, मुझे समय कम दिया है, कहना तो काफी मैं कुछ चाहता हूं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक मेवाड़ भील कोर, जो भीलों की एक बटालियन थी, मेवाड़ भील कोर 1841 में उसकी स्थापना की गई, क्योंकि वहां के लोग, वहां की भौगोलिक स्थिति, वहां की संस्कृति, वहां की रीति रिवाज, उस हिसाब से उस बटालियन का स्थापना किया था। वहां के जो लोकल लोग थे, जो स्थानीय लोग थे, उनको लिया जाता था, लेकिन आज धीरे धीरे उस मेवाड़ भील कोर बटालियन को खत्म किया जा रहा है। आज उसमें जनसंख्या के आधार पर उसमें भर्ती होनी चाहिए, लेकिन अब मात्र खाली मेवाड़ भील कोर नाम रह गया है खाली, उसमें हमारे ST के बहुत ही कम बच्चे लिए जा रहे हैं। और इस बटालियन का अभी कुछ समय पहले
इनका परिवार डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, लेकिन इन मेवाड़ भीलकोर की बटालियन को अभी कुछ समय पहले इनका मुख्यालय जालौर, पाली, अजमेर और भीलवाड़ा किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा, उदयपुर इनका जो भीलवाड़ा किया गया उसको उस आदेश को निरस्त करें और उदयपुर, डूंगरपुर, खेरवाड़ा यथावत उनको वहां पर करा जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ, सीएम साहब से मांग करता हूँ। आज इनका परिवार दुखी है, उनके बच्चे परिवार सबसे अलग हो गए, सबसे दूर हो गए हैं, तो ये भी एक इंसान है, ये भी एक हमारी सुरक्षा करते हैं, तो इनका जो आदेश किया है बाहर वो वापस खेरवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर वापस यथावत ये बटालियन एमबीसी की जाए, ये मैं मांग करता हूँ। और मेवाड़ भीलकोर जो बटालियन है, जैसे राजपूत बटालियन होती है, सिख बटालियन होती है, सबकी अलग अलग बटालियन होती है, लेकिन हमारे भीलों की एक जो एमबीसी बटालियन है उसमें भी अगर हमारे लोग नहीं लिए जा रहे हैं तो सभापति महोदय जी हमारे साथ ये अन्याय नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? मैं मांग करना चाहूँगा कि इसमें जनसंख्या के आधार पर पहले 80 या 87% हमारे एसटी जो भील थे उसको लिया जाता था, तो वापस उसी तर्ज पर एमबीसी में भर्ती निकाले और हमारे आदमियों को वहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं उसको लगाए जाए। सभापति महोदय जी, हमारे टीएसपी क्षेत्र में बाहर के जो अधिकारी लगाए हुए हैं, टीएसपी क्षेत्र का अलग कानून बना हुआ है कि नॉन टीएसपी का अधिकारी या कर्मचारी टीएसपी क्षेत्र में नहीं आ सकता है, तो फिर कैसे आ रहे हैं यहाँ पर? हमारे वहाँ टीएसपी का ही अधिकारी लगना चाहिए, थाने में टीएसपी का ही हेड कांस्टेबल सिपाही वही लगना चाहिए। आज मेरे जिले में 10 थाने हैं, उस 10 थानों में एसटी का थानेदार कोई नहीं है, एससी का थानेदार कोई नहीं है, क्यों? हमारे साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हमारे लोग नहीं लगने चाहिए। मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से सीएम साहब से कि हमारे थानों में जनसंख्या के आधार पर थानेदार लगाए जाए और चौकियों पर हेड कांस्टेबल लगाए जाए और सिपाही भी लगाए जाए, क्यों? क्योंकि यहाँ से आने वाले जो नॉन टीएसपी के क्षेत्र के अधिकारी हैं, जो सिपाही है, हेड कांस्टेबल है, हमारी स्थानीय भाषा को समझ नहीं सकते, उनके रीति रिवाज समझ नहीं सकते और वो लिख भी नहीं सकते। हमारे वहाँ अनपढ़ लोग हैं, शिक्षा की कमी है, वो अपनी भाषा में, वागड़ी भाषा में उस अधिकारी को समस्या बताएंगे, लेकिन वो बाहर का जो नॉन टीएसपी का अधिकारी है वो समझ नहीं पाएगा, तो उसकी तकलीफ कैसे दूर होगी? तो मैं कहना चाहता हूँ कि टीएसपी के अधिकारी और टीएसपी के कर्मचारी उस संबंधित थानों पर लगाए जाएं। दो मिनट में समाप्त। सभापति महोदय जी, दो मिनट। टीएसपी के एक ही आदिवासी पहली बार आया हूँ तो बोलने दिया जाए, आप ही नहीं बोलने देंगे तो हम क्या करेंगे? हमारी भावना तो समझो कम से कम। कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। दूसरे बोले, दूसरों को तो बोलने दे, तो हमको नहीं बोलने, तो आज तक हमको आदिवासियों को आज तक आगे आना ही नहीं दिया, पीछे ही रखा, आज तक बोलने ही नहीं दिया, तो आदिवासी कहाँ से आगे बढ़ेगा? सभापति महोदय जी, मैं जो काकरी डुगरी प्रकरण हुआ उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, जो निर्दोष लोग थे, उन पर आज मुकदमा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, सीएम साहब से निवेदन करना चाहूँगा, कुछ उसमें थर्ड ग्रेड टीचर हैं, कुछ सेकंड ग्रेड टीचर हैं, जो रेगुलर जो जा रहे थे आ रहे थे, उनका लोकेशन देख के और उन पर मुकदमा कर दिया, और जो वास्तविक गुनहगार व्यक्ति थे उनको छोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो वास्तविक में जो मुकदमा, जो काकरी डूंगरी प्रकरण कराने वाले नेता जो भी थे, इनके जो भी थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो निर्दोष लोग हैं उनके जो भी मुकदमे लगे हैं उनको वापस लिए जाए, ये मैं मांग करता हूँ। सभापति महोदय जी, हमारे टीएसपी क्षेत्र आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, अभी ये होली का त्यौहार आ रहा है, अभी हमारे ढूंढोत्सव भी होता है, उसके बाद हमारे कई कल्चर प्रोग्राम होते हैं, तो हमारा जो व्यक्ति होता है वो सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमारी परंपरा है, रीति रिवाज है, कल्चर है, उसमें एक बोतल, दो बोतल या 3 लीटर कोई ऐसी शराब रखता है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए, लेकिन पुलिस वाले उसके दो बोतल दो लीटर शराब ले जाकर उसके खिलाफ 10 बोतल का मुकदमा लगाते हैं, 10 बोतल का। लेकिन जो अंग्रेजी शराब टीएसपी क्षेत्र में है, मैं कहना चाहता हूँ, पहले तो अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कराएं, उसके बाद हम ऑटोमेटिक बंद कर देंगे। और अंग्रेजी शराब की दुकानें गुजरात हमारे बॉर्डर से जा रही है, वहाँ कोई अफसर नहीं रोक रहा है, वहाँ कोई पुलिस नहीं रोक रहा है, लेकिन जो गरीब है बेचारा, वो अपने सांस्कृतिक कल्चर के लिए 2 लीटर 3 लीटर घर में रख रहा है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा नजर है। मैं 2 मिनट लूंगा सभापति महोदय जी, हो गया आप, मैं 2 मिनट सर, मेरा अभी 10 मिनट नहीं हुआ सर, मैं देख रहा हूँ टाइम सर।
हमारे समाप्त कर दीजिए आप सर। हमारे एक ये सिरोही का मैटर है, कांतिलाल उर्फ कार्तिक भील, इसके साथ अन्याय हुआ। कई समुदायों दूसरे समुदायों ने उसके साथ मारपीट की, उनको धरने पर बैठना पड़ा। यहाँ के दो MLA भी जाके धरने पर बैठने पड़े। तो ये स्थिति है कि आज भी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, इसके माध्यम से उससे मारपीट करवाई और उसकी मृत्यु हो गई अहमदाबाद में कहीं जाकर, और दो तीन चार दिन पाँच दिन बाद उस लाश को जलाया। तो कार्तिक भील के साथ न्याय होना चाहिए, उसको मुआवजा देना दिलाना जाना चाहिए, और उसके परिवार से एक भी किसी व्यक्ति को, आज छोटे छोटे बच्चे हैं दो तीन, उसको सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। सभापति महोदय जी, आज भी STSC हमारे साथ इतना हो रहा है वो तो मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि हमारा कुछ काम नहीं होता है। हम कितना भी बोले, कितना भी चिल्लाए, लेकिन आज भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज इस देश में जब हम कहते हैं कि छुआछूत नहीं है, आज भी छुआछूत है, आज भी जातिगत भावना ऐसी हीन भावना रखते हैं। मैं सभापति महोदय जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में कई शेरावाड़ा है, बोखला है, सत्यरामपुर है, बलवाड़ा है, घुगरा है, साबली है, यहाँ पर कहीं कहीं किसी जगह पथराव होता है, यहाँ पर गश्त बढ़ाई जाए और जो जो मैंने ये मांग की है वो पूरी की जाए, यही कहना चाहूँगा। मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।